ये क्या हुआ, मेरा गामछा भी खुल गया। अरे यार क्या पीछे चुभ रही है बे। हेलो गाइस, कम बैक विद क्रेजी बॉय। तो आज के व्लॉग में क्या होने वाली है? अरे भाई क्या बताऊं, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे बुलाया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना जाऊं उनके साथ, तो कहीं रोल मिल जाए उसके अंदर। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी से, कि अभी मैं लेट उठाऊँ तो आप देख सकते हैं सूरज वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो चलो अभी यहाँ से पैक जल्दी, सामान सब कुछ पैक करने के बाद जल्दी से निकलते हैं। अभी मैंने कर लिया अपने सारे सामान पैक और जूते पहनने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो लोग नीचे जा चुके हैं और मुझे भी जल्दी से जाना है, तो चलो। इसका मौसम भी थोड़ा सा खराब है, आप देख सकते हैं हवाई हवाएं चल रही है भाई। मूवी बना रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन चलो अभी दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, कॉल करके कह रहे थे कि वहाँ पे जल्दी आ जाओ, तो मैं जल्दी से घर से निकल गया और मोबाइल गिर गई तो सीधा पहुँच जाएगी। ये मोबाइल साउंड सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, मुसीबत है। चलो अभी ये बंदा जो है सीधे रास्ते से जा रहा है, मैं उल्टे रास्ते जा रहा हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। सुबह कोई बात कर रहा हूँ तो हो रही है, पता नहीं क्या सीन होगी यार, वाह वाला सीन होगी। मैं मर गया, अरे मैं गया। कैसा फिसला था मैं, देख सकते हैं आप, वाव। लेकिन मैं इसके सहारे बच गया। कोई बात नहीं है, आपका भाई सैलाब भी क्रॉस करेगा। चलो जब वीडियो बनाता हूँ तब नहीं गिरता हूँ, जब वीडियो बंद करता हूँ तब गिरता हूँ। जुलुम है, मैं गिर जाता हूँ, शूट नहीं होती, जब मैं उठता हूँ फिर वीडियो बनाना पड़ता है। अब ऐसा भी गलत खराब है, अनाज करके रख दिया मैंने, अब यहाँ मुझे छलांग लगाना है। मैं निकल गया। ओ भाई ये रहे यार, मैं अभी इनके पास पहुंच गया, तो चलो अभी आपको दिखाता हूँ। अबे ये कौन है बे? ओए ये कौन है? शूट करना सही नहीं होगा, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले अगर मैं ये चीज रिलीज कर दूं तो मतलब फिल्म का वो ही मजा नहीं रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पर मेकअप शेकअप चल रही है वो नहीं दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ पे कैरेक्टर का मेकअप हो रही है और थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी भाई। ओ भाई खून, इस बोतल से जो है खून बहाएंगे। अब इस रस्सी के ऊपर इस बंदे को लटकाने वाले हैं और मजा आने वाली है भाई। तो स्टार्ट करें भाई, चलें। सीन ऐसा है कि यहाँ पे फूड कलर आया था इन लोगों ने, और वो फूड कलर जो है ना मतलब चेहरे पे लगती वो मिटती नहीं है। अब मैंने सोचा कि यहाँ से अंगूर ले जाता हूँ और उनको मतलब मरोड़ के उनके अंदर से जो रस होगी ना वो निकाल के कोशिश करते हैं कि वो फूड की तरह मतलब दिखती या नहीं। तो चलो अब यहाँ से ऊपर जाके अंगूर उठाता हूँ। चलो इस अंगूर के अंदर रंग है या नहीं वो भी चेक करते हैं। पहले जो मैंने आपको कैरेक्टर दिखाया था वो फेल हो गया, और उसकी जगह पर ये बंदा भी ट्राई कर रहा है और देखते हैं ये कर सकता है या नहीं। तो चलो अब ये कैरेक्टर भी फेल हो गया, शायद मुझे ही मतलब ये काम करना पड़ेगा भाई। इसके ऊपर जो है मुझे उल्टा लटकना है और मतलब मेरे सर से नीचे की तरफ खून बहेगी, हाथों से खून बहेगी, मतलब जबरदस्त सीन होगी यार। इनमें मतलब एक क्लिप को शूट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप देख लें यहाँ पे यार, पेड़ पहले स्टार्टिंग में आपने वो क्लिप देखा था, तो अभी देखो मतलब उसी एक क्लिप के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सारे फेल हो गए, बस मैं ही रह गया। अरे बाबा यार, अरे मेरे पाँव जल्दी कर, जो भी है कर लो भाई, वीडियो बनाओ अभी। मेरा मेकअप जो है रेडी हो रही है और मेरे चेहरे को जो है अब ये लोग जहन्नम बनाने वाले। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, मेरा गामछा भी खुल गया। हे लग दे
अभी मुझे लटकना है और ये शूट स्टार्ट होने वाली है, मज़ा ही आने वाली है। तो बाद में जो मूवी का रिजल्ट होगा वो मुझे मतलब पता नहीं है कैसी होगी, लेकिन चलो अभी क्या कर रहे हैं, अब करेक्टर बनना पड़ा मुझे मजबूरी में। इस टाइम जो हालत हुई थी मेरा, मतलब क्या ही बताऊं यार, पूरे जो है ना अंदर से सामान सारे मेरे गले में आके अटक गए थे, कसम यकीन करो भाई, हालत ख़राब। और मतलब ये जो अभी क्लिप शूट कर रहा है ना, मतलब इसका रिजल्ट जो है ना आपने पहले देख लिया था शायद, पहले स्टार्टिंग में इंट्रो में आपने देख लिया होगा, तो वो मतलब इस तरीके से शूट हुई है। और यहाँ पर अभी शूट हो रही है गूगल पिक्सेल 6 से। बाबू रंगीला देखो ना गाइस, आई अरे ये क्या पीछे चूप रही है बे, आय हाय हाय। ये जो आप काले कपड़े में देख रहे हैं ये है शैतान का पुजारी, और इन लोगों ने मतलब मुझे मार दिया था और उल्टा लटका के छोड़ा था। अगर आपको रियल करेक्टर बनना है तो कभी भी आपने ये दिमाग में नहीं सोचना है कि मेरे सामने कैमरा है। अगर ये सोच के आप एक्टिंग करेंगे कि मेरे सामने कैमरा है तो आपका जो है शूट बिल्कुल ही बेकार जाएगी। गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है आई दिमाग में सारे खून उतर गई, मुझे माफ कर दो भाई यार, माफ कर दो ओ भाई, ये मिटेगी नहीं भाई, ये मिटेगी नहीं। स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी है, यहाँ पे कुछ शोज थे वो कंप्लीट हो गए, तो इसमें मुझे भी करेक्टर बनना पड़ा यार। यार मेरा हालत खराब हो गई यार, देखो बाबू रंगीला हो गया हूँ, बाबू रंगीला। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर और बंद होते हैं। अभी इनके साथ में गाड़ी में बैठ चुका हूँ और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर मनसा रिजोर्ट के नज़दीक जाके मिलते हैं। तो चलो यार हालत ही ख़राब हो गई है, चक्कर बहुत आ रही है पता नहीं। अभी मैं मनसा रिजोर्ट के ऊपर वाली रोड पे हूँ और यहाँ से डायरेक्ट मनसा रिजोर्ट जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं टोनी के पास। गाइस तो मैं पहुँच गया अभी टोनी के पास और यहाँ पे होटल में। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह के छकास व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।